संत क्या करता है, नौ दिन से मैं क्या कर रहा हूं आपके बीच में, रेखा खींच रहा हूं, ये बता रहा हूं कि ये करना ये मत करना। काम क्रोध मदलोभ के बिना दुनिया नहीं चल सकती, लेकिन कितना इनका प्रयोग हो ये वो माताएं जानती हैं जो मसाला डालना जानती हैं कि कैसे भोजन बनाए, कितना हल्दी कितना नमक कितना। ऐसा है कि दाल में नमक डालना, नमक में दाल मत डालना। क्रोध हो ठीक है, ये विकार जीवन में, इनके बिना दुनिया चल नहीं सकती, ना काम के बिना ना क्रोध के बिना। राम जी ने भी तो क्रोध किया। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कि मेरे पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर राम यत्न शुक्ल जी, जिनके अंडर में मैंने पीएचडी की, बनारस की परंपरा वो शास्त्रार्थ के लिए जाया करते थे, तो मैं भी उनके साथ में जाया करता, मैं भी जाता था। एक जगह शास्त्रार्थ लंबा खिंच गया और देर हो गई, हमें गुरु जी के साथ में गुरु जी के घर में सो जाता था, तो साथ में मैं आया और उन्होंने रात को 11:30 बज गए थे। उनको अपनी चिंता नहीं थी, मुझे मेरी चिंता थी। बोले वेदांती जी आपको भूख तो लग रही होगी, एक काम करो उनसे गुरु माता जी से धीरे पूछ लो कि कुछ बनाया है कि नहीं। तो मैं गुरु माता जी से पूछने गया कि गुरु जी आ गए हैं, वो पूछ रहे हैं आपने कुछ बना के रखा है कि नहीं। इतनी जोर से गुस्साई का आधी आधी रात तक गुरु चेला साथ पर घूमोगे, हम तुम्हें बना के रखेंगे, खिचड़ी बनी है जाकर के खाना हो तो खा लो, नहीं सो जाओ तो सुबह बात करना। हमने गुरु जी से कहा कि गुरु जी खिचड़ी बनी है, वो क्या होता था लाइट से जलते थे उस पर गर्म करने के लिए हीटर, तो हमने कहा हीटर में गर्म कर देता हूं। बोले ना ना हीटर जलाने की क्या जरूरत है। बोले तब बोले गुरु माता जी के सिर पर रख दो 5 मिनट के लिए, उनके सिर पर रख दो बिरादर, उनके सिर पर रख दो अपने आप गर्म हो जाएगा। जीवन में काम क्रोध मदलोभ के बिना ये दुनिया कतई नहीं चल सकती है, 100% ये बात सत्य है। लेकिन राम कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। ये रेखा खींचते हैं महात्मा लोग कि ये काम करना और ये काम मत करना।